नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NFA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ NFA एंड एक्सेप्टेंस बाय NFA एंड डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं NFA। NFA का मीनिंग है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। NFA इट इज़ ऑल्सो फाइनाइट ऑटोमेटा। तो किसी भी NFA को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वही 5 tuples की रिक्वायरमेंट है। यहाँ Q इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इट इज़ अ सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, बोथ आर फाइनाइट सेट, डेल्टा इट इज अ ट्रांजिशन फंक्शन, Q नॉट इनिशियल स्टेट एंड F इट इज़ अ फाइनल स्टेट। बट इसका डेल्टा Q क्रॉस सिग्मा, दिस इंप्लाइज 2 की पावर Q। ट्रांजिशन फंक्शन इसका डेल्टा डिफरेंट है DFA से। इसका मीनिंग क्या है सर? NFA आप किसको बोलते हैं? NFA अगर आप किसी स्टेट पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, मोर देन वन स्टेट में अगर आप मूव कर रहे हैं, तो मशीन क्या है? NFA। फॉर एग्जांपल Q1 स्टेट पर A इनपुट अप्लाई किया, आप मैनी स्टेट Q2, Q3, Q4, Q5 और n नंबर ऑफ स्टेट में अगर आप मूव करते हैं, तो इट इज NFA। एंड एप्सिलॉन मूव्स इज ऑल्सो अलाउड इन NFA। एप्सिलॉन मूव से भी आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, लाइक Q6 स्टेट। तो NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, किसी स्टेट पर अगर आप इनपुट अप्लाई करते हैं, आप n नंबर ऑफ स्टेट में पैरेलली एक साथ मूव कर सकते हैं, आपके पास मैनी चॉइसेस हैं। और किसी स्टेट पर आप एप्सिलॉन मूव्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्सिलॉन मूव्स करके भी आप किसी स्टेट में जा सकते हैं। ये NFA है। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सर, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैपिंग फंक्शंस क्यू क्रॉस सिग्मा, दिस इंप्लाइज 2 की पावर Q। सो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मीनिंग है कि लेट मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, ये एक NFA है। इस NFA में इस कैपिटल A पर स्मॉल A के साथ आप 2 moves कर रहे हैं। आप A पर भी हैं और B पर भी जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज NFA। सो Q क्रॉस सिग्मा दिस इंप्लाइज 2 की पावर Q। 2 की पावर Q मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। सो A के क्यू क्रॉस सिग्मा, दिस इंप्लाइज 2 की पावर Q। इट इज योर डेल्टा, डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। सो देखिए, ऑल ऑर्डर पेयर बनाइएगा। ए पर स्मॉल ए अप्लाई किया, ए का बी के साथ मैपिंग, सिमिलरली बी का स्मॉल ए एंड बी इनपुट के साथ, एंड सी स्मॉल ए, इट इज क्यू क्रॉस सिग्मा। दिस इंप्लाइज 2 की पावर Q। 2 की पावर मीन्स सेट ऑफ ऑल सबसेट। सो ऑल सबसेट क्या बन सकते हैं? फाई ए सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी। नाउ चेक, कैपिटल ए पर स्मॉल ए के साथ देर आर 2 states। आप ए पर भी हैं और बी पे भी जा सकते हैं। कैपिटल ए पे स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट इज ए बी, नॉट इंडिविजुअली ए एंड बी। ए बी इट इज अ सिंगल स्टेट ए बी। एंड कैपिटल ए पर बी के साथ नेक्स्ट स्टेट इट इज अ सी, सो सी इट इज अ नेक्स्ट स्टेट। कैपिटल ए पर कंप्लीट हो चुका है। बी पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट इज बी, बी के साथ नेक्स्ट स्टेट इज बी।
एंड सी पर ए के साथ नेक्स्ट स्टेट इट इज सी एंड बी नेक्स्ट स्टेट इट इज सी. सो एन एफ ए का मैपिंग फंक्शन क्यू क्रॉस सिग्मा दिस इम्प्लाइज टू की पावर क्यू. तो आप देख सकते हैं कि ए बी ये स्टेट डी एफ ए में अलाउड नहीं है क्योंकि डी एफ ए में इंडिविजुअल ए बी सी हो सकता है और यहाँ पे एक से ज़्यादा एन नंबर ऑफ स्टेट्स, मैक्सिमम एन नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो सकती हैं ए बी सी. ए पर आप ए पे भी रह सकते हैं, बी पे भी जा सकते हैं, सी पर भी आ सकते हैं, तो मैक्सिमम ए बी सी स्टेट, दैट्स वाई इट इज़ टू की पावर क्यू. सर क्या ये अलाउड है इसके अंदर? यस इट इज़ अलाउड. इसको बोलते हैं डेड कन्फिगेशन. सो डेड कन्फिगेशन अगर आप बी मूव्स डिफाइन नहीं करेंगे तो सी स्टेट आपका रिमूव हो जाएगा. सी रिमूव हुआ देखिए ए पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट इट इज ए कॉमा बी एंड ए पर बी के साथ बी डिफाइन नहीं है तो बी इस पर इट इज डेड कन्फिगेशन. ए पर बी के साथ आप किस स्टेट में जा रहे हैं? फाइव. एंड बी पर स्मॉल ए के साथ इट इज बी स्टेट और बी पर बी के साथ बी स्टेट. सो इट इज ए वैलिड फंक्शन. सो अगर एन एफ ए के अंदर डेड कन्फिगेशन है तब भी ये वैलिड है, वैलिड फंक्शन है. सो इसलिए हम बोलते हैं कि एन एफ ए के अंदर डेड कन्फिगेशन अलाउड है बट डी एफ ए में इट इज नॉट अलाउड. डी एफ ए में आपको एक डेड स्टेट बनाना पड़ेगा इसको रिमूव करने के लिए, बट एन एफ ए में जरूरी नहीं है. इट इज ऑल्सो एन एफ ए. नाउ क्या सर अभी एन एफ ए? यस अभी भी ये एन एफ ए है बिकॉज डेड मूव्स है. क्या ये एन एफ ए है? यस ये एन एफ ए बिकॉज ए पर स्मॉल ए के साथ आप मल्टीपल स्टेट्स में मूव कर रहे हैं, स्मॉल ए और स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए और बी, इट इज एन एफ ए. क्या सर ये एन एफ ए है? यस इट इज ऑल्सो एन एफ ए. सारे डी एफ ए एन एफ ए हैं, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो एन एफ ए. ये डी एफ ए भी है बट इट इज एन एफ ए बिकॉज डेट मूव्स. सो नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस बाय नेक्स्ट इज नॉट एक्सेप्टन रिप्रेजेंटेशन. अगेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एफ ए देर आर टू मैथड्स. इट इज ए ग्राफ. सो फर्स्ट ट्रांजिशन ग्राफ. एंड सेकेंड इज ट्रांजिशन टेबल. ट्रांजिशन ग्राफ ये लिखा हुआ है, ट्रांजिशन टेबल, इसी बात को ट्रांजिशन टेबल में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए. कैपिटल क्यू ऑब्लिक सिग्मा, यहाँ पे स्टेट लिखिए ए बी एंड इनपुट सिंबल ए बी. कैपिटल ए पर स्मॉल ए के साथ आप मल्टीपल स्टेट्स में मूव कर रहे हैं एंड बी डिफाइन नहीं है एंड बी के साथ इट इज बी एंड इट इज बी. तो देखिए किसी भी टेबल को देख के आप बता देंगे अगर कोई डेड मूव्स है तो ये एन एफ ए है या मल्टीपल स्टेट में मूव कर रहे हैं तब भी एन एफ ए है. अगर ये ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेट इट इज़ बी, स्टिल अभी भी ये एन एफ ए है बिकॉज डेड मूव्स है. नाउ उस स्टेट पर आपने ए इनपुट अप्लाई किया तो इट इज़ मल्टीपल स्टेट ए कॉमा बी. ओके नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस बाय एन एफ ए. एन एफ ए से एक्सेप्टेंस कैसे होगा? एक एन एफ ए है एंड एन क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एंड एफ. सो स्ट्रिंग एक्स इज एक्सेप्टेड बाय एन एफ ए एन इफ आप अगर इनिशियल स्टेट पर उस इनपुट स्ट्रिंग को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद लास्ट कैरेक्टर रीड होने के बाद आउटपुट में मैनी स्टेट्स आ सकती हैं. मैनी स्टेट बिकॉज इट इज एन एफ ए. अगर उन स्टेट में एक भी फाइनल स्टेट है तो ये इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा. व्हाट डज इट मींस? इट मींस
casting x is accepted by NFA n if q naught initial state beginning state पर आपने x को apply किया और complete x read करने के बाद output में many states आ सकती हैं, उनमें अगर एक भी state final है तो ये input accept हो जाएगा, otherwise reject हो जाएगा. ये कैसे पता चलेगा कि उसमें कम से कम एक state final है, तो आप final के साथ intersection निकालिए, अगर इसमें से कोई final होगा तो कुछ common आ जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, not equals to phi. और कॉमन क्या होगा, फाइनल स्टेट, तो ये इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा. एंड कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, इस तरह के स्ट्रिंग्स को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज. तो एल इज अ लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू दिस एनएफए. फॉर एग्जांपल, लेट एक्स इक्वल्स टू ए बी बी, सो अप्लाई करिएगा इनिशियल स्टेट इस ऑटोमेटा पे ए एंड इट इज ए बी बी एंड ए पर स्मॉल ए के साथ नेक्स्ट स्टेट ए पर स्मॉल ए के साथ ए भी है एंड बी भी है एंड नेक्स्ट रिमेनिंग स्ट्रिंग इट इज बी बी एंड बी को इन दोनों पे अप्लाई करिएगा, जो आउटपुट आए उसको लिखिएगा. सो डेल्टा बी को ए पर भी अप्लाई किया एंड बी पे अप्लाई किया, सो ए पर अप्लाई से इट इज सी एंड बी पे अप्लाई से इट इज बी एंड रिमेनिंग इट इज बी. एंड अगेन बी को दोनों स्टेट पे अप्लाई करिएगा, C पे अप्लाई किया इट इज C एंड B पे अप्लाई किया इट इज B. तो ये स्टेट्स फाइनली ये स्टेट आ रही हैं, इनमें एक भी स्टेट अगर फाइनल है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, यस B इज अ फाइनल स्टेट. इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, C और B का इंटरसेक्शन निकालिए फाइनल के साथ. सो C कॉमा B इंटरसेक्शन ऑफ फाइनल, और फाइनल स्टेट क्या है, इट इज अ बी स्टेट, सो कॉमन इज बी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्वल्स टू फाई. तो कॉमन बी, इसका मीनिंग क्या है कि इसमें से कोई एक स्टेट फाइनल स्टेट है तो ये इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर एक भी फाइनल नहीं आता तो ये इनपुट रिजेक्ट हो जाता है. सो इस दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनएफए. Thank you. दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.